नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, ऐसे में सभी पार्टियां अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। आरजेडी अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को सीट देगी। माना जा रहा है कि सहनी को 10 से 12 सीटें मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक वाम दलों को 28 से 30 सीटें मिली हैं। सीटों के बंटवारे पर यह सहमति पहले चरण के नामांकन के दूसरे दिन बनी है, हालांकि इसका आधिकारिक और औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर शीर्ष स्तर के नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी सीटों की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। एनडीए में अभी भी बैठकों का दौर ही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अड़े रहने की वजह से एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला अटका हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि रामविलास पासवान के अस्वस्थ रहने की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का निर्णय 1-2 दिनों के भीतर हो जाएगा। इस बीच बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस जेडीयू की प्राथमिकता सूची के साथ 3 अक्टूबर शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए थे। अहम यह है कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 4 अक्टूबर शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। एनडीए में साथ रहकर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग हो जाएंगे, इस पर वो आज आखिरी निर्णय करेंगे। राज्य में पहले चरण का मतदान 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होना है, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी। पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो चुके हैं, ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। माना जा रहा है कि जैसे ही महागठबंधन और एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का विवाद सुलझेगा, वैसे ही नामांकन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की वजह से मामला अटका पड़ा है। पहले चरण के चुनाव में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। राज्य के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार चौथी बार राज्य की सत्ता में वापसी को लेकर उत्सुक हैं। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्षी महागठबंधन कोरोना वायरस संकट, प्रवासी मजदूरों का संकट, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बाढ़, किसानों की जर्जर हालत जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार को फेल बताकर सत्ता की चाबी पाने को बेकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।